नमस्कार दोस्तों, वैशाख मास की पावन कथा मैं आज आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। इसका पहला भाग मैंने पिछले वीडियो में सुनाया है, वो ज़रूर सुनिएगा। इसका अगला भाग हम सुनाएंगे जिसमें ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाने का अध्याय होगा। यह अध्याय आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। बहुत ही अच्छी कथा है, सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है वैशाख मास में। चलिए कथा को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा है, क्या तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवभ्रद स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान होते हैं, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ की सेवन अथवा सरस्वती नदी में जल स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय होता है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त किया हो जाता है तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान को प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन को चेष्टा से करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसका सूचना दी जाती है, उतना कर देने से वह उत्सर्ग हो जाता है और सुख का भागी हो जाता है। जितने उस प्रयोजन के स्वामी से निवेदन कर दिया है उतने उसके ऊपर ने तो कोई ऋण नहीं रहता और ना पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं होता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात मैं आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता हैं, धर्म के रक्षक और नियमन हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तुतन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके शिष्य श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन से संलग्न हो अपने अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, इससे यमपुरी सुनी हो गई है। इतना सुनते ही उनका ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, शरीर सिर वस्त्र कौस्तभ्य मणि वैजंती माला श्वेत दीप
वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोग का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं किसे कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उनमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा संयुज प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बने बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथक होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास का धर्म भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होगा जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देगा और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसे होते हैं वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी वे वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा मैं तुम्हें भाग देने के लिए वाला होऊंगा। उसके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सतलोक में चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं, भगवान विष्णु के उद्देश्य शीतल जल, दही, अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। भगवान विष्णु के दिव्य परमात्मा वैशाख मास का महत्तम तथा कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मणों को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने पर उसके पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति नरेश महात्म्य दुरात्मा राजा बने। प्रथम स्वर्भाव मनवंतर में हुआ था, जो राजा इश्वाक कुल भूषण कीर्तिमान वैशस्व महमन व्यक्ति हैं, तथा यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुनी रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे, आपके बाद राजा बने उत्पन्न होगी और मेरे इस संयश को आप निवृत्त कीजिए। सतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विमता प्रतीत होती है वह युग भोग और कल्प भेद में व्यथा के अनुसार होती है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा, इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार यह अध्याय अभी समाप्त होता है। मिलते हैं मेरे अगले अध्याय के साथ, जिसमें मैं एक छिपकली और ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। वैशाख मास की सारी कथाएं आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही लोकप्रिय और पुण्यदायी कथा हैं। इन्हें सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। दोस्तों, वैशाख मास की सारी कथाएं मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखी हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। कुछ पूजाएँ कर भी दिखाती हूँ, पूरी पूजा की सामग्री भी दिखाती हूँ। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा पाठ से जुड़े हर वीडियो आप लोग को मिलेंगे। अगर आप लोग कोई विशेष वीडियो
चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।